हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि सब बढ़िया होगा। अगर हमसे कोई पूछे कि दुनिया में सबसे अमीर देश कौन सा है तो फटाफट से जवाब आएगा अमेरिका। अगर कोई पूछे कि सबसे अमीर शहर कौन सा है तो जवाब आएगा न्यूयॉर्क। लेकिन भाई लोगों, क्या आप एशिया के उन शहरों के बारे में जानते हैं जो इतने बाला माल है कि जल्दी न्यूयॉर्क को भी पीछे चुने के तैयारी में है? जहां हम घूमेंगे एशिया के 5 सबसे अमीर शहरों में, तो देर किस बात के, अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं उन अमीर शहरों के एक शानदार सफर पर। नंबर 1 एशिया के सबसे अमीर शहरों के बात हो और चाइना का कोई शहर ना आए, ऐसा तो सपने में भी नहीं हो सकता है। यहाँ तो 5वें नंबर पर ही चाइना का शहर आटपका। जहाँ दोस्तों बीजिंग ही एशिया का वो शहर है जहाँ सबसे ज्यादा अमीरी है, जहाँ करोड़पतियों के संख्या से भी ज्यादा है अरबपतियों के संख्या, जिनका हाई लाइफस्टाइल आपको हैरान कर देगा। वर्तमान समय में चाइना की कैपिटल सिटी बीजिंग की जीडीपी 458 बिलियन डॉलर्स तक जा पहुंची है। और ऐसा नहीं है कि ये आंकड़ा यही थम रहा है। बीजिंग के बाद की जाए तो इसे दुनिया के सबसे प्राचीन शहरों में गिना जाता है, जहां ना जाने कितने ही हजारों सालों से इंसान बसे हुए हैं। हालिया आंकड़ों पर नजर डाले तो बीजिंग में 2.15 करोड़ के लगभग लोग रहते हैं, जबकि इसे शहर का कुल क्षेत्रफल है करीब 16,410 स्क्वायर किलोमीटर। इसीलिए यहां लोगों की भीड़ दिखना आम बात है, क्योंकि यहां प्रति व्यक्ति 184,000 डॉलर्स तो कमाता ही कमाता है। तीनों तरफ से चट्टाने इसे शहर की रक्षा करती है, तो वही चौथी तरफ से द ग्रेट वॉल और चाइना, जो कि दुनिया के 7 अजूबों में भी शामिल है। बीजिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर जितना कमाल का है उतना ही बेहतरीन है। इसे शहर का एजुकेशन सिस्टम, एक जमाना था जब चीन के बड़े बड़े नेता बीजिंग में ही अपना बसेरा बनाया करते थे, और आज भी यहाँ चीन की बड़ी बड़ी हस्तियों के ठिकाने देखने को मिलते हैं। बीजिंग वो शहर है जो चीन के लिए शंघाई के बाद सबसे ज्यादा जरूरी शहर है, क्योंकि यहाँ कई कंपनीज के सेटअप्स और ज्यादा से ज्यादा नोट स्टार्टअप्स भी देखने को मिलते हैं। अगर जब जापान का मैनचेस्टर कहे जाने बादे ओसाका को इस लिस्ट में चौथा नंबर मिला है, क्योंकि ये चाइना के बीजिंग शहर के बाद एशिया का चौथा सबसे अमीर शहर है। इसकी अमीरी की पहली स्टेज तो सूती कपड़ों का प्रदर्शन ही है। असल में ओसाका जापान के उस प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र है, जहां से जापान के सूती कपड़ों का प्रदर्शन का 37% भाग तैयार किया जाता है। सिटी ऑफ लेर के नाम से फेमस ये शहर काफी डेवलप्ड सिटी है, जिसकी जीडीपी बढ़ते बढ़ते 700 बिलियन डॉलर्स तक जा पहुंची है। सेकंड वर्ल्ड वार इसे शहर के लिए किसी कहर से कम नहीं था, क्योंकि उस दौर में इसे शहर को काफी तबाही का सामना करना पड़ा। लेकिन जब ओसाका ने विकास की रफ्तार बढ़ाई तो ऐसी बढ़ाई की ब्रेक लगाना भी भूल गया। ब्रेक ना लगाने का ही कमाल है जो आज ये शहर सबसे अमीर शहरों में काउंट होता है। आज के टाइम भी ये शहर शॉपिंग मॉल और हॉस्पिटैलिटी के लिए जाना जाता है। ओसाका शहर इतना खूबसूरत है कि इसे निहारने के लिए हर साल लाखों की संख्या में लोग आते हैं। दोस्तों, बदलते जमाने के साथ साथ हमारी जिंदगी से कई मनोरंजन की चीजें खाए भी हो गई हैं, जिनमें से एक है पपेट शो। लेकिन अगर आप ओसाका जाते हैं तो यहां आपको पपेट शो देखने को मिल सकता है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि ओसाका भी कई बार जापान की कैपिटल सिटी होने का गौरव प्राप्त कर चुका है। ओसाका का क्षेत्रफल है करीब 220 स्क्वायर किलोमीटर और यहां 26.9 लाख की लगभग लोग रहते हैं। आबादी के हिसाब से देखा जाए तो जापान में ओसाका तीसरे नंबर पर आता है। साथ यह जापान की दूसरी सबसे बड़ी सिटी है, जहां बौद्ध धर्म से जुड़े सबसे पुराने मंदिर भी देखे जा सकते हैं। नेक्स्ट इज शंघाई। दोस्तों, आप तो जानते ही है कि चाइना हर दिन एक नया कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, तो इसे कीर्तिमान का रिजल्ट है कि एशिया के सबसे अमीर शहरों में चाइना के ही दूसरे शहर का नाम शामिल है, जिसे शंघाई के नाम से जाना जाता है। शंघाई देखने में जितना खूबसूरत शहर है, अंदर से भी उतना ही प्यारा है। इसे शहर में जाने पर आपको ऊंची ऊंची बिल्डिंग, पार्क्स और काफी साफ सफाई देखने को मिलेगी, जिसे देख आप शंघाई के दीवाने बन जाएंगे। शंघाई में इतना पैसा और रोजगार है कि इसे शहर को चीन की इकोनॉमिक कैपिटल यानी वृद्धि राजधानी भी कहा जाता है। क्षेत्रफल के हिसाब से बात करें तो ये शहर 6,340 स्क्वायर किमी के एरिया में फैला हुआ है, जहां 2.63 करोड़ लोग रहते हैं। वही इसे शहर की पर कैपिटल इनकम की बात करें तो ये ऑस्टन 80,000 युआन तक है। शंघाई सिर्फ आर्थिक रूप से ही मजबूत नहीं है, बल्कि ये चाइना का सबसे बड़ा शहर होने के साथ साथ काफी एक खूबसूरत शहर भी है। अगर चाइना का असली कल्चर कहीं देखा जा सकता है तो वो सेफ और सेफ शंघाई में ही देखा जा सकता है।
और तो और इंडिया के कई शहरों को शंघाई जैसा बनाने के कवायद भी शुरू कर दी गई है। इन शहरों में सबसे पहला नाम माया नगरी यानी मंबरी का है। शंघाई ने इतनी तरक्की कर ली है कि यहां सबसे तेज भागने वाली बुलेट ट्रेन्स मिलती है, जिनके स्पीड 400 किलोमीटर प्रति घंटे तक की होती है। शंघाई में कारों का कलेक्शन, बिलेनियर्स की संख्या और गजब की शॉपिंग मॉल्स के साथ साथ कई बड़ी बड़ी कंपनी के सेटअप देखने को मिलते हैं। ये शहर चाइना की जीडीपी को सबसे ज्यादा सपोर्ट करता है। एक स्टेट सियोल एशिया के सबसे अमीर शहरों के लिस्ट में जो शहर दूसरे नंबर पर अपने पैर जमाए हुए खड़ा है, उससे शहर का नाम है सियोल शहर। ये साउथ कोरिया में व्यावसायिक विकसित शहर है। सियोल में आपको एक से बढ़कर एक इमारती देखने को मिलेंगे, जिनकी हाइट आपकी सोच से भी ऊंची होती है। यहाँ तमाम बड़ी कंपनियों के सेटअप और न्यू स्टार्टअप्स हैं, जो साउथ कोरिया की जीडीपी और इकोनॉमी को तगड़े रूप से सपोर्ट करते हैं। शहर में घूमने से लेकर खाने तक को ऐसी ऐसी चीजें देखने को मिलती है कि क्या ही कहें। वैसे कि आप जानते हैं कि साउथ कोरिया में महिलाएं बहुत तो खूबसूरत होती हैं, लेकिन इनकी खूबसूरती का राज क्या है? तो आपको बता दें कि इनकी खूबसूरती का राज है मेकअप, क्योंकि साउथ कोरिया को दुनिया में कॉस्मेटिक कैपिटल के नाम से जाना जाता है। यहाँ से कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किए जाते हैं, क्योंकि वो काफी बेस्ट होते हैं। खैर, बात करें सियोल के तो बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे सैमसंग, किया, ह्यूने और एलजी के हेडक्वार्टर्स आपको सियोल शहर में ही देखने को मिलेंगे। सियोल को मॉडर्न टाइम के टेक्नोलॉजी कैपिटल सिटी भी कहा जाता है। शहर के जीडीए पर एक रीड 1710 यूएस डॉलर। ये शहर इतना अट्रैक्टिव है कि हर साल हजारों लाखों की संख्या में लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं। सियोल शहर में कुछ अलग तरह की रीति रिवाज भी देखने को मिलते हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने यहाँ एक नया घर खरीदा, तो लोग उसे गिफ्ट में बुके या कोई और चीज नहीं देंगे, बल्कि टॉयलेट पेपर गिफ्ट करेंगे। अजीब है न ये? वेल, बता दे कि यहाँ जाकर आप अपनी बॉडी पर टैटू नहीं बनवा सकते हैं, क्योंकि ऐसा करना अच्छा नहीं माना जाता। इसके अलावा इसे शहर में 17 और 13 नंबर को लकी नंबर माना जाता है। शॉपिंग लवर्स के लिए तो सियोल शहर सबसे ज्यादा बेहतरीन माना जाता है, तभी तो इसे शॉपिंग डेस्टिनेशन भी कहा जाता है। रीजन साफ है, पैसा जो यहाँ भर भर के है। यहाँ नाइट लाइट ऐसी लगती है मानो जन्नत हो। एडवांस टेक्नोलॉजी के मामले में देखें, तो आपको सियोल में एक ऐसी ट्रेन देखने को मिल जाएगी जो जापान की बुलेट ट्रेन को भी टक्कर देने की हिम्मत रखती है, जिसे EMU 430X के नाम से जाना जाता है। सिर्फ यही नहीं, सियोल को एडवांस शव बनाने वाले साफेट कोरिया में और भी कई लाजवाब चीजें और प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन इनके बारे में जानने के लिए आपको नीचे कमेंट्स करना होगा, ताकि हम इस बार एक सेपरेट वीडियो ला सकें। फिलहाल तो हम बढ़ते हैं उस शिश्व के तरफ, पर पूरी दुनिया में भी ये अमीरी के मामले में काफी ऊपर है। ज्यादा अमीर लोग रहते हैं, जिस वजह से इस शहर की जीडीपी दिन पर दिन उछलती ही जा रही है, और वर्तमान में इस शहर की नॉमिनल जीडीपी पहुंच चुकी है 2000 पर बिलियन डॉलर्स पर। जियो उठ गए नहोश। ऐसे दोस्तों, टोक्यो शहर बड़ा ही साफ सुथरा और प्यारा शहर है, जहाँ की लड़कियाँ बहुत ही खूबसूरत बानी जाती है। इस शहर में सुंदर परियों का मेला आपको हर जगह देखने को मिल जाएगा। सुबह से ही दौड़ भाग शुरू कर देती है। टोक्यो में लोग शांति से मिलजुल कर और एक दूसरे की मदद करके रहना पसंद करते हैं। हालांकि बेवजह केसी से दिमाग मारना इन्हें पसंद नहीं होता। यही वजह है कि यहां आपको कई नाम चीन कंपनियां देखने को मिल जाएंगी, बल्कि ऐसा करना अच्छा माना जाता है। असल में जापान में ऐसा माना जाता है कि जो काम करते करते सो जाए वो हार्ड वर्किंग होता है। वैसे अगर आप जापान घूमना चाहते हैं तो टोक्यो जरूर जाएगा। इस शहर को काफी सुंदर माना जाता है कि यहाँ तो पॉपुलेशन है करीब 1.4 करोड़। इस शहर के एक परेशान ये भी है कि यहाँ की पॉपुलेशन बहुत कम बढ़ती है, क्योंकि यहाँ लोग अपना फ्यूचर बनाने पर ज्यादा फोकस करते हैं। तो दोस्तों, ये है एशिया के वो पांच से शहर जो लगातार अपने देश को मजबूत बनाने में मदद कर रहे हैं और तेजी से डेवलप हो रहे हैं। वैसे आप किसी शहर में रहते हैं और क्या आप नहीं चाहते कि आपकी शहर का नाम भी इस लिस्ट में आए? अगर चाहते हैं तो मेहनत आज से ही शुरू कर दीजिए, क्योंकि बूंद बूंद से तालाब भरता है और तालाब से बनता है समंदर। मतलब देर लगेगी, लेकिन एक दिन आप भी गर्व से कहेंगे, भाई मेरा शहर है सबसे विकसित और सबसे अमीर। खैर, वीडियो कैसे लगी कमेंट्स में जरूर बता है। पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना भूले। धन्यवाद।